भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने एक साहसिक दावा करते हुए कहा कि राहुल द्रविड़ दिनों खेला करते थे, उस वक्त भारतीय टेस्ट टीम की मानसिकता रक्षात्मक खेल खेलने की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम अब विदेशी धरती पर जिस बदली हुई मानसिकता के साथ खेलती है उसका क्रेडिट साफ तौर पर विराट कोहली को जाता है। एक इंटरव्यू में बात करते हुए राजकुमार शर्मा ने कहा कि राहुल द्रविड़ के खेलने के दिनों में भारतीय टीम की रक्षात्मक मानसिकता थी, वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जब वो विदेशी दौरे पर हों तो श्रृंखला न हारे। विराट कोहली का दृष्टिकोण जीतना है और इसलिए वो पांच गेंदबाजों के साथ खेलते हैं। विराट और द्रविड़ के बीच कप्तान कोच समीकरण कैसे काम करेगा इस बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ग्रेग चैपल युग के दौरान बॉलर का नेतृत्व करने का अनुभव द्रविड़ के लिए उपयोगी होगा और उन्हें पता होगा कि टीम का नेतृत्व करना कप्तान का काम है। राजकुमार शर्मा ने कहा कि राहुल द्रविड़ ने ग्रेग चैपल के काम करने के तरीके को देखा है और वो जानते हैं कि कोच की भूमिका टीम के लिए क्या है। कोच का काम रणनीति बनाना और युवा खिलाड़ियों को तैयार करना है जबकि कप्तान को ही टीम का नेतृत्व करना है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर राहुल द्रविड़ के लिए अपने घर से बाहर पहला असाइनमेंट होगा। रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया था। आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ के हेड कोच रहते भारतीय टीम ने अपनी धरती पर न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में 3-0 से हराया जबकि कीवी टीम को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से मात दी। द्रविड़ और कोहली की गैर मौजूदगी में भले ही चाहे भारत जैसा भी खेलता हो लेकिन अब दोनों मौजूद हैं और दोनों की मौजूदगी में भारतीय टेस्ट टीम ने मुंबई में कीवी टीम को दूसरे टेस्ट में 372 रन के बड़े अंतर से रौंदा था। वहीं भारत अब दक्षिण अफ्रीका में पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। 26 दिसंबर से दोनों देशों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।